जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में आज बात करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर कम्पिटेटिव एग्जामों में उत्तर प्रदेश के पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी को? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था, और पहली बार 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो पहली बार कब उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया गया? तो 2018 में बोल सकते हैं पहली बार मनाया गया, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया गया। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33, 8.99, 9.02 या 10.04? तो 7.33% है। और इसके जनसंख्या के वर्ग किलोमीटर के बात करें, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के बारे में बात करें, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये टोटल इसका भार क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है, लिया है या अंगीकार किया है? बुलंद दरवाजा से, रूमी दरवाजा से या लखीम दरवाजा से या दिल्ली गेट से लिया गया है? तो ये रूमी दरवाजा से लिया गया है। तो ये रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ से रूमी दरवाजे के ऐतिहासिक स्मरण से जुड़वा मछली एवं राज्य चिन्ह लिया गया है। और ये रूमी दरवाजा लखनऊ के पर्यटनों के लिए प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण करवाए थे 1784 में आसफ उदौला ने इसका निर्माण भी करवाया था। आप इधर देख सकते। अब उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हाड़पुर? तो सबसे छोटा जिला हाड़पुर है। और इसके में बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हाड़पुर है। इसका 660 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे बड़ा बात करें तो उत्तर प्रदेश का जिला लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी है। और इसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और इसके आगे पांचवा क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 5 नंबर को क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश का 3 नंबर कुशीनगर है, ये नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। कौन कौन से हैं ये भी बता दे रहे हैं जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। बलरामपुर भी ये साझा करता है, सरवस्ती भी साझा करते, लखीमपुर खीरी भी साझा सीमा करते हैं। और उसके बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। टोटल नेपाल के साथ टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछली, धनुष, तीर, मोर। मोर नहीं है दोस्तों, आप लोग चित्र में भी दे सकते हैं। मोर उत्तर प्रदेश के राजकीय के चिन्ह में नहीं है। 7वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? मोर, सारस, तोता, कोयल? तो राजकीय पक्षी सारस है। इसमें आप लोगों को बता रहे हैं कौन कौन से हैं। पशु का यदि पूछे तो बारहसिंगा हो जाएगा, और पक्षी के नाम पूछे तो सारस, या इसको क्रोच भी बोलते हैं, कोच, क्रोच, क्रोच भी इसको बोलते हैं। तो और वृक्ष पूछे तो अशोक हो जाएगा, उसके बाद से खेल पूछे तो हॉकी हो जाता है। और बस यही दोस्तों, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है।
उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, कानपुर नगर। तो सबसे यदि कम दिया है यहाँ पर क्षेत्र न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, तो गौतम बुद्ध नगर है सबसे कम। और सबसे अधिक के बारे में है तो कानपुर सबसे अधिक है, 3155 वर्ग किलोमीटर। अब उत्तर प्रदेश के सबसे अधिकतम और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है? सोनभद्र एवं संत कबीर नगर, खीरी एवं संत रविदास नगर, उसके बाद लखनऊ एवं बागपत, कानपुर देहात एवं खलीलपुर। तो इसमें सबसे पहला, इसमें हम लोग खलीमपुर तथा क्या खलीमपुर एवं संत कबीर नगर के बारे में बात की है, तो ये सही हो जाएगा। सबसे अधिक बड़ा है तो सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से खलीमपुर है, या खलीमपुर खीरी, जिसे 7680 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया क्षेत्रफल पड़ता है। और न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पर भदोही है, जिसे संत भदोही में ही संत कबीर नगर है। इसके बारे में बात करें तो ये 1015 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पड़ता है। 10वें नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है, सीमा स्पष्ट नहीं करते हैं? बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत और बस्ती। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही है, ये स्पर्श नहीं करता है, नेपाल के साथ जो सीमा साझा करते हैं। तो टोटल आप लोगों को पीछे बताए भी 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ, जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर बता दें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच आ खलीमपुर, उसके बाद से पीलीभीत, ये सब हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में अब बात करें, 11 नंबर क्वेश्चन, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थित है कौन सा स्थान स्थित है? प्रथम, पंचम, चतुर्थ या सप्तम? तो चतुर्थ है, इसका आंसर सही हो जाएगा। और इसके बाद बात करें, सबसे पहला आ जाता है राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसके बाद 4 नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये पूरा आप लोगों को क्वेश्चन था, आप लोगों को बता दिए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।